सभी दोस्तों नमस्कार। आज आपके अपने YouTube चैनल आर्स लर्निंग हब में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आए हैं जो फिजिक्स से है और जिसका चैप्टर नंबर वन है वो है मापन व मात्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम को पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या है और विज्ञान की जो शाखाएं हैं अलग अलग है, तो उसमें हम आज पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। तो विज्ञान जो शब्द लैटिन भाषा का साइंसिया शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, और जो फिजिक्स है फिजिक्स को हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक, और ये शब्द हमारा ग्रीक शब्द से बना हुआ है और इसको हम कह सकते हैं प्रकृति और प्रकृति से जो भी रिलेटेड घटनाएं हैं उनका अध्ययन हम फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इसी प्रकार और भौतिक विज्ञान को अलग अलग 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो है हमारा यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक व परमाणु भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक। तो फिजिक्स को अच्छे से अध्ययन के लिए हम इसके 8 भागों में हमने इसको बांटा है और जो इस प्रकार आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी जो अलग अलग शाखाएं हैं वो किस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसमें शाखा दे रखी है ऊष्मा गति की, हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी ऊष्मा होती है उसका जो नेचर है और उसके जो इफेक्ट है, उसके जो प्रभाव है, उनका हम अध्ययन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। और उसके बाद आती है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, जिसमें प्रकाश के उत्पादन और उसकी प्रकृति और उसके प्रभाव, उसका संचरण आदि का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो भौतिक विज्ञान है, जो फिजिक्स है, उसके जनक किसे कहा जाता है, सर आइजक न्यूटन को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान के पिता कहते हैं, और जिनका जन्म 4 जनवरी 1693 लिंकन शायर में हुआ था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फिजिक्स में लाभ दिए गए हैं सर आइजक न्यूटन ने। ठीक है, और सबसे उनका महत्व सिद्धांत है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी। इसलिए हम न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता भी कहते हैं। ठीक है, आगे जो हम इसकी शाखाएं के बारे में बात कर रहे थे, और तीसरी शाखा इसकी थी ध्वनि तरंग, जो अकोस्टिक्स है, जो साउंड है और साउंड कहाँ से आता है, उसका उत्पादन है, उसके इफेक्ट है, उसका नेचर है, उसका संचरण है, तो उसमें हम ध्वनि तरंग है जो उसके बारे में पढ़ेंगे। और विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी, इसको तो आपको पता ही होना चाहिए, जो हम घरों में यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके कारण, उसके टाइप, ठीक है, किस प्रकार विद्युत और इसको हम इसको किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं अलग अलग शाखाओं में। और अब अगला है हमारा चुंबकत्व, और चुंबक के गुण, चुंबकीय क्षेत्र और उसके इफेक्ट का हम अध्ययन करेंगे मैग्नेटिज्म में। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये विद्युत चुंबक है जो, ठीक है, और इसका भी हम अध्ययन करेंगे और इसके अध्ययन की शाखा को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगला है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में हम जितने भी जो माप की विधियाँ हैं हमारी, उसका अध्ययन करते हैं। परमाणु, हम जो परमाणु संरचना और उनके जो गुण हैं उनका हम अध्ययन करते हैं परमाणु भौतिकी में, एटॉमिक फिजिक्स में, जिस प्रकार जैसे कि हम कह सकते हैं कि एटॉमिक बम है। ठीक है, और इसमें हम जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर भी हम कह सकते हैं, उसमें भी हम परमाणुओं का यूज करते हैं। और एस्ट्रोनॉमी, जो खगोलिकी है, जो हम ब्रह्मांड में जो स्थित है, जैसे कि तारे, ग्रह, उपग्रह, उन जितने भी पिंड है उनकी गति कैसी है, उनका नेचर कैसा है और किसका किस प्रकार इफेक्ट होता है। ठीक है, और जो विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, ठीक है, जैसे कि भौतिक विज्ञान है, इसके जनक है सर आइजक न्यूटन, जो मॉडर्न फिजिक्स है जिसे हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं उसको हम बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन।
है, और फिर जो केमिस्ट्री है जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं उसको है लवैसिए, ठीक है। और जीव विज्ञान का हमारा है अरस्तु, खगोल विज्ञान का है हमारा कोपरनिक्स, और भूगर्भ विज्ञान है जो उसको हम जेम्स हटन, भूगर्भ जो जियोग्राफिकल है जो अर्थ के नीचे होती है, ठीक है, भूगर्भ विज्ञान, ठीक है, उसका उसके जनक कौन है, जेम्स हटन। अब देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते जो हमारे आते हैं मात्रक से, तो सबसे पहले हम करते हैं कि जो प्रकाश वर्ष है, पारसेक है, एंस्ट्रोम है, खगोलीय मात्रक है, इनका अध्ययन करेंगे हम। जैसे कि आपको पता है प्रकाश वर्ष है, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी क्या कहलाती है, हमारी प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है। अब एक जो निर्वात क्या होता है, निर्वात में वैक्यूम जिसमें हवा की अनुपस्थिति हो, ठीक है, जो एक प्रकाश वर्ष में हमारा 9.46 × 10 की पावर 12 किलोमीटर है और 10 की 15 मीटर है, ठीक है। तो अब मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भाग करना पड़ेगा और इससे पावर कट जाएगी तो किलोमीटर में हो जाएगा, ठीक है। और पारसेक है, जो पारसेक सबसे बड़ी इकाई है जिससे हम दूरी मापते हैं, और एक पारसेक होती है वो 3.26 लाइट ईयर होता है जिसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगली इकाई हमारी एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या होती है, जो प्रांगणी विकिरण है और जो एक्स किरण है उनके जो हम अभिव्यक्त करते हैं उसमें हम एंगस्ट्रॉम जीरो, जैसे ए की पावर 0 लिख रखी है इसमें, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, वो हमारी होती है 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। और आपको देखो इस साइड में देखो, आप देखो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम पावर है उनको क्या कहते हैं, जैसे आपको इस चीज़ का तो पता होगा, जैसे ये हम किलो वाइट है, किलो आएगा, ठीक है, जैसे भी हम करते हैं 10 की पावर 1 डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा बाइट, जैसे हम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करते हैं, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा, एक्साई, जेटा, योटा, ठीक है। इसी प्रकार ये पावर माइनस में हो तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, जेप्टो, यप्टो, ठीक है, इनका भी हमें बताना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है कि 10 की पावर -15 क्या होती है, हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फेमटो, हम इसे किससे डिनोट करते हैं, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, तो ये भी आपको बताना चाहिए इसका, ठीक है। आगे हम इसके 100 क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो अभी अभी मैंने रेलवे NTPC दे दो, उसमें से पूछ रखा था कि एक पारसेक है जो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। एंगस्ट्रोम हमारी होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एक वर्ष में जो सूर्य और पृथ्वी के बीच, यहाँ पर मिसिंग है कुछ, पृथ्वी और जो सूर्य है उसकी जो औसत दूरी है उसको हम बोलते हैं खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो क्या होती है, जो होती है 1.496 × 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। तो एक खगोलीय मात्रक इतने मीटर के बराबर होता है जो एक वर्ष के अंदर पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। जो अब हमारा रहता है सोलर दिवस, तो सोलर दिवस क्या होता है, और जब जो सूर्य का जो प्रकाश है एक सीधे बिंदु के रूप में हमारे पास होता है, सीधा ही, ठीक है, सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उसको हम बोलते हैं सोलर डे, और उसको हम बोलते हैं मध्याह्न, ठीक है, जो किसके मध्य सूर्य दिवस कब होता है, 8 86 400 सेकेंड, ठीक है, 86,400 सेकेंड। यदि हम इसको जो हम 60 से भाग दें तो इसको कितना आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा, और 60 से फिर से भाग दें तो किससे आ जाएगा, हमारा घंटे बज जाएगा, ठीक है।
और फेदम है जो हम समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज करते हैं, तो एक फेदम किसके बराबर होता है, 6 फीट के बराबर। और मीटर में यदि हम कन्वर्ट करें तो किसके बराबर होता है, 1.828 मीटर के। और एक केबल है जो 100 फैदम के बराबर होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एक फैदम होता है हमारा 6 फीट के बराबर होता है, वो 1.828 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक समुद्री मील, नॉटिकल मील कहते हैं जिसे, वो किसके बराबर होता है हमारा, 1.852 मीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील। जैसे हम नाव की धारा होती है ना, नाव नाव की स्पीड, उसको हम नॉटिकल मील में करते हैं, मापते हैं। ठीक है, अब देखो ये नाभिकीय न्यूक्लियर फिजिक्स, जो परमाणु के नाभिकीय संरचना, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, और उसका किस प्रकार व्यवहार है प्रकृति पर, रेडियोलॉजी जिसका तो पता है आप एक्सरे में यूज करते हैं इसको, है मेटलोग्राफी, धातुओं की संरचना और उसके गुणों का अध्ययन होता है जो उसको मेटलोग्राफी कहते हैं, मेटलर्जी, मेटलर्जी होता है जो मतलब कि और अयस्क में से शुद्ध धातु बनाई जाती है उसको मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, किमोमेट्रिक्स जो रसायन विज्ञान होती है उसकी जो गणितीय सोल्यूशन होता है, जो गणित की जो समस्या होती है उसका समाधान करते हैं हम किमोमेट्रिक्स में। एपिग्राफी, इसमें हम जैसे शिलालेख होते हैं, हिस्ट्री में पढ़ा भी हो आपने, जो शिलालेखों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। एस्ट्रोनॉटिक्स, अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषय का अध्ययन, जो अंतरिक्ष है उसको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉटिक्स। ठीक है, आगे देखो, तो तेल का माप है उसमें एक बैरल में कितना होता है, 158.987 लीटर होता है। लगभग हम इसके 159 लीटर मापते हैं एक बैरल में। ठीक है, और एक बैरल में ये 42 US गैलन होता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा रेडियो रसायन, रेडियो केमिस्ट्री। तो रेडियो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो रेडियो धर्मी हमारे मेटेरियल होते हैं उनसे जो किरणें निकलती हैं और उनका जो उपयोग है हमारा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला है हमारा प्रकाश रसायन, फोटोकेमिस्ट्री। पृथ्वी में प्राप्त विभिन्न उपयोगी खनिज पदार्थों को खोजने में प्राप्त करने की विधि को, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि बात करते हैं हम फोटोकेमिस्ट्री की, जैसे हमें पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के नीचे हम कहते हैं किसी भी मेटल का, हमें किसी मेटल की उपस्थिति का पता लगाना, तो हमें किसका यूज करना होगा, फोटोकेमिस्ट्री का। जैसे कि हम तेल के कुओं का पता लगाते हैं तो हम किससे पता लगाते हैं, फोटोकेमिस्ट्री से। होलोग्राफी, होलोग्राफी तो लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का चित्र प्राप्त करना, ठीक है, हम बोलते हैं होलोग्राफी। ठीक है, जो कि लेजर किरणें होती हैं, आजकल की लेजर की प्रिंटिंग मशीनें भी आती हैं जो लेजर द्वारा उसी का चित्र बना देती है। और हाइड्रोडोनिक्स में, हाइड्रोडायनेमिक्स में हम करते हैं गतिशील द्रव पर कार्य करने वाला बल, दाब या उसकी ऊर्जा का, ये हमारा मतलब कि जो लिक्विड होता है उस पर मतलब उस पर लगने वाले बल और उसका जो उसकी ऊर्जा होती है। ठीक है, जैसे कि डैम होती है जिसे हम टर्बाइन के द्वारा बिजली बनाते हैं, ठीक है, वो हाइड्रोडायनेमिक्स में आएगी। और हाइड्रोपोनिक्स होती है जो ध्वनि तरंगों का जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन करना, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स, जो स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर, ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स उसमें डायनेमिक्स में कहता है जो गतिशील है द्रव, और स्टैटिक्स में जो स्थिर जल है उस पर लगने वाला बल और उसके जो रिएक्शन है उसके जो प्रभाव है उसका अध्ययन करते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक्स में। और है हमारा काइनेस्थेटिक्स, शरीर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है हम उसका जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं काइनेस्थेटिक्स। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी होता है जो पर्वत है, जो हमारे माउंटेन हैं, ठीक है, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ठीक है, और उसके जो इफेक्ट है अर्थ पर, ठीक है, उसके अध्ययन को हम बोलते हैं ओरोलॉजी। सिस्मोलॉजी को तो आपको पता है जो भूकंप है, ठीक है, जो भूकंप का हम पहले से ही पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है उसको हम किसके द्वारा मापते हैं, सिस्मोलॉजी में।
एक रिएक्टर स्केल होता है, और रिएक्टर स्केल पर हम मापते हैं कि कितना जो भूकंप है उसकी तीव्रता को मापते हैं, कितना तेज जो भूकंप आएगा। ये क्या होता है, जब टिक्टोनिक प्लेट होती है जो अर्थ के नीचे होती है, उसके खिसकने के कारण क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, सेलिनोलॉजी, सेलिनोलॉजी होता है चंद्रमा की संरचना, उसकी गति और उसकी जो पोजीशन है, उसकी स्थिति है, जो उसका हम अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं सेलिनोलॉजी। साइबरनेटिक्स, साइबरनेटिक्स जो विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं का नियंत्रण व क्रियाविधि का अध्ययन, साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स यदि हम साइबर की बात करें, जैसे कि कोई भी तंत्र है उसको हम किस प्रकार से प्रैक्टिकल या उसको कंट्रोल किस प्रकार कर सकते हैं, जो हमारा साइबर, कई बार साइबर अटैक हो जाता है किसी चीज पर, मीन्स बात करें मान लो किसी भी वेबसाइट है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कुछ कुछ जानकारी लीक हो जाना, ठीक है, उसकी जो उसका जो अध्ययन है उसको हम बोलते हैं साइबरनेटिक्स। और होती है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का जो टाइम है, जो समय के अनुसार जितनी भी घटनाएं घटित हुई है उसको एक क्रम में लगाना, हम उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। ठीक है, ट्राइबोलॉजी हम क्या करते हैं, जो कोई दो सरफेस है, ट्राइबोलॉजी, ट्राइबोलॉजी इसमें गलत है, इसमें आई आई है, ट्राइबोलॉजी। तो ट्राइबोलॉजी में क्या होता है कि जब कोई दो पार्टिकल है या दो वस्तुएं हैं, वो जब आपस में उनकी दो रिलेटिव मोशन होती है, जो सापेक्ष गति होती है, उसके कारण क्या होता है कि जो घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, उसको उसका अध्ययन करना हम उसको बोलते हैं ट्राइबोलॉजी। ठीक है, जैसे हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं ट्राइब जो फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए। होरोलॉजी, इसके अंतर्गत हम इसके अंदर हम जो होरोलॉजी है उसके अंदर हम किसका माप, समय का जो है उसका समय मापते हैं, समय मापन करते हैं। ठीक है, और निम्न तापिकीय है क्रिप्टोनिक्स, और जो कम तापमान वाली विधियां हैं उनको हम बोलते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा में हम इसका यूज कर सकते हैं, रक्तहीन सर्जरी होती है उसमें किया जाता है, और सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल होती है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। क्रिस्टोलॉजी होता है, यह एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणु संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो भी हमारा पार्टिकल होते हैं उसके अंदर जो मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल है वो किस प्रकार की उनकी बॉन्डिंग है, ठीक है, उनका जो क्रिस्टल किस प्रकार बनता है, जैसे बी सी सी, फेस, एफ सी सी, ये अलग अलग है उसके। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम करेंगे पदार्थों के जो वर्णक्रम हैं उनके आधार पर उनके आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। रियोलॉजी में हम करते हैं किसी पदार्थ के विरूपण और उसका प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसमें एक रह गया हमारा मेटालोग्राफी। मेटालोग्राफी में हम जो धातु की संरचना है उसके जो गुण है, ठीक है, उसका पता लगाते हैं मेटालोग्राफी में। ठीक है, अब देखो हमारा मेजरमेंट क्या होता है, किसी चीज का हम संख्या के रूप में किसी चीज का हम व्यक्त करते हैं, किसी चीज का पता लगाते हैं। और हमारे पास जो कोण है उसको हम दो प्रकार से मापते हैं, तो समतल कोण जिसको हम रेडियन मानते हैं, होते हैं घन कोण जो हम स्टेडियन में मापते हैं। ठीक है, अब देखो ये कुछ इम्पोर्टेंट मेजरमेंट और यूनिट्स है। ठीक है, जैसे एम्पियर है, हम विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। ठीक है, ओम है जिसे हम रेजिस्टेंस, विद्युत इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मापते हैं, विद्युत प्रतिरोध है। मो को हम विद्युत चालकता, कैलोरी को ऊष्मा को कैलोरी में,
विद्युत आवेश को कूलाम में तापमान को सेंटीग्रेड या सीजीएस सिस्टम से सेंटीग्रेड में और एसआई सिस्टम से कैलकुलेट में, ठीक। और ये अलग अलग प्रकार के जैसे बल है जो फोर्स है उसको सीजीएस सिस्टम लाइन में, ठीक, ऊर्जा को अर्घ में, ठीक है। और ये अलग अलग दिए हुए हैं, आपको पता है, ठीक है। आप इससे ये हमारे जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम पावर को वाट में मापते हैं, शक्ति को वाट में, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है, जो हमारी आवृत्ति कहते हैं हर्ट्ज में। ब्रेक फोर्स पावर होती है हमारा 746 वाट के बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है पिछले एग्जाम में। और जो टेस्ला है, टेस्ला को इस्तेमाल किया चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और ये दिए हुए हैं अलग अलग। जैसे केबल का बताया था, समुद्र की गहराई है जिसमें 100 कदम होते हैं, 1 कदम 6 फीट के बराबर होता है, ठीक है। पौंड को हम मात्रा मापते हैं किसी चीज़ की, पास्कल प्रेशर को पास्कल में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में मापते हैं, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स, लक्स प्रदीप्ति घनता, फोटोन प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। डॉप्सन, डॉप्सन होते हैं जो, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, डॉप्सन होते जो ओजोन परत होती है उसकी जो मोटाई है उसको मापने के लिए हम किस करते हैं, डॉप्सन का, डॉप्सन को मापते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये अब हमारी दो राशियाँ होती है, एक मूल राशि या फंडामेंटल हो और एक होती है हमारी डिराइव्ड यूनिट, जेड क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ, ठीक है। और डिराइव्ड यूनिट्स में हम बात करते हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब। एक सप्लीमेंट्री राशियाँ होती है जो पूर्व राशि कहते हैं, जो दोनों अन्य भौतिक राशियाँ होती है, जो न ही मूल राशि होती है न ही व्युत्पन्न होती है, ना तो फंडामेंटल होती है ना ही ड्यूट होती है, जैसे कि समतल कोण, ठीक है। मात्रक का पता है कि भौतिक राशियों को मापने के लिए एक मानक का यूज करते हैं, ठीक है, और इसके अध्ययन को हम मेट्रोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। अधिश राशियाँ जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो, ठीक है, जिससे विद्युत धारा, समय, ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवृत्ति, आवेश, उष्मा, विभव, ठीक है, विभवांतर आएगा, विभव की जगह विभवांतर, ठीक है, विशिष्ट उष्मा, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कहते हैं इसे। सदिश राशि जिसमें दिशा भी हो और परिणाम भी हो, ठीक है। अब कुछ मात्रक दिए हुए हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम को 10^-10 मीटर, नैनोमीटर 10^-9 मीटर, ठीक है, किलोमीटर में हम 10^3 मीटर, एक प्रकाश वर्ष ये पीछे किया था मैंने 9.46 × 10^15 मीटर और 10^12 किलोमीटर, और एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट होते 1.5 × 10^11 मीटर के बराबर, ठीक है। एक मील में हमारा 1760 गज होते हैं, ठीक है, 1.6 किलोमीटर हम कह सकते हैं, ठीक है। एक पार्सेक का भी हमने कर लिया था, ये उसका द्रव्यमान के आधार पर है, ये लंबाई थी, अब इस टाइम के हिसाब से जैसे कि 1 मिनट 60 सेकंड, मिली सेकेंड 10^-3, माइक्रो 10^-6, नैनो 10^-9, पीको 10^-12 सेकेंड, ठीक है, ये दिया हुआ है। 100 दिन किसके बराबर होता है, 86,400 सेकेंड, ये आया था, इसको मध्याह्न भी कहते हैं, ठीक है, सोलर डे। 1/10^8 × 10^-8 सेकेंड, ठीक है। अब ये हमने मीटर पता है, मीटर में किसी लंबाई, किलोग्राम, किसी का द्रव्यमान, सेकंड टाइम, किसी का टेम्परेचर केल्विन, किसी की धारा विद्युत धारा को एम्पियर में, किसी ज्योति तीव्रता हम कैंडेला में मापते हैं, ठीक है। ये हमारी कुछ है मात्रक पद्धतियाँ थी जो पिछले, मतलब कि हम बात करते हैं पिछले जो जमाने या पिछले जो पिछला जो समय था उसमें मापते, जैसे कि सी जी एस में फुट पर सेकेंड, FPS, MKS, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि पूरे सभी देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाई जिसको हम ऐसे ही यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। तो
जैसे कि हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, ठीक है, ये जो कुछ राशियां दी हुई है, ठीक है, जैसे क्षेत्रफल लंबाई गुना लंबाई, मतलब चौड़ाई, चौड़ाई भी जो होती है, चौड़ाई चौड़ाई भी वो हम किस में मापते हैं, उसकी उसकी लेंथ के अनुसार मापते हैं, मतलब वो कितनी लंबी है या चौड़ी है, ठीक है, जैसे वो अभी ठीक है लंबाई 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 है जैसे कि दे रखा है, ठीक है, जो लेंथ होती है। तो इसी प्रकार सबसे इम्पोर्टेंट आगे आएगा हमारा कि भौतिक राशियाँ और उसके जो विमीय सूत्र है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे देंगे, जैसे कि कोई बल है, फोर्स है, फोर्स हम फोर्स का आप विमीय सूत्र बनाओ, ठीक है, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सीलेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण, उसको बोलते हैं एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अब क्या होता है कि क्या होता है, जैसे कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, मास, ठीक है, एम एम फॉर मास है, एल फॉर लेंथ है, टी फॉर टाइम, ठीक है, तो उसी प्रकार है एम मास इंटू त्वरण एक्सीलेशन, एक्सीलेशन मतलब किसी लेंथ के एल बाई टी की पावर 2, ठीक है, तो उसकी मल्टीप्लाई करो, अब हमारा क्या बनेगा एल टी माइनस 2, ठीक है। जैसे आप सिंपल में देखो, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम किस में करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई किस में होगी हमारी, लेंथ में, चौड़ाई भी लेंथ में, एल गुना एल एल स्क्वायर, ठीक है, आयतन भी हमारा एल की पावर 3, तो शक्ति कार्य बाय समय, तो कार्य का फॉर्मूला ये होगा, कार्य को हमारा पता होना चाहिए, कार्य का क्या कार्य होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा है, ठीक है। इसी प्रकार हम जो विमीय सूत्र बना सकते हैं, ठीक है, देखो आपके पास ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप उसमें उससे यहाँ पर देख सकते हैं, उसके फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, उसका जो विमीय सूत्र है वो भी दिया हुआ है, ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी है 1 बाय आवर्तकाल, ठीक है, तो आवर्तकाल हम समय में आपको जरूर 1 बाय 1 बाय टी होगा इसका, ठीक है, तो 1 बाय टी को हम लिखते हैं टी की पावर -1, ठीक है, इस प्रकार हम कर सकते हैं, तो विमीय सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये अलग अलग समय सबके फॉर्मूले दिए हुए, उसका सबका विमीय सूत्र दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब देखो कुछ इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं, जैसे कि एमीमीटर, एमीमीटर को हम विद्युत धारा मापने के लिए यूज करते हैं, एपिक्स एपिकोस्कोप जिसका हम अपारदर्शी चित्र और पर पेपर पर प्राप्त करने के लिए, ऑडियो मीटर जो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, ऑडियोफोन जो एक श्रवण सहायक यंत्र है जिससे हम मतलब कुछ सुन सकते हैं, और इसको कान के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, बैरोग्राफ वायुमंडल दाब में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं हम, ठीक है, बाइनोक्यूलर्स दूर की वस्तु देखने के लिए, तो वर्नियर वर्नियर कैलिपर्स गोली वस्तुओं का व्यास निकालने के लिए, वर्नियर कैलिपर आया भी आया वर्नियर कैलिपर, कार्बोरेटर पेट्रोल से चलित जो चलने वाले जो इंजन है उसमें यूज होता है कार्बोरेटर, ठीक है, जो मतलब हवा और जो फ्यूल है हमारा पेट्रोल है उसको एक मिक्सचर को इंजन तक पहुंच सकता है, कैलोरी मीटर में हम ऊष्मा की मात्रा मापते हैं, ठीक है, क्रोनोमीटर हो गया हमारा पानी के जहाज में समय ज्ञात करते हैं, क्रोनोमीटर से निकालते हैं, ठीक है, कम्यूटेटर है जो विद्युत धारा की दिशा बदलने वाले यंत्र है, तो डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, इसमें लगभग सभी हैं,
सूक्ष्मदर्शी जो छोटे छोटे वस्तुओं को देखे नहीं, जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जायरोस्कोप है जो घूर्णन गति का जो रोटेशनल मूवमेंट होती है उसको मापते हैं हम जायरोस्कोप से, हाइड्रोमीटर है रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए हम यूज करते हैं, लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लैक्टोमीटर यूज करते हैं। ये अलग अलग सभी जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि रडार है जो दूर स्थित वस्तुओं वायुयान की दूरी निकालने के लिए यूज करता है, रेडिएटर है जो इंजन को ठंडा करता है, ठीक है, तो सभी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने इसके अंदर डाला हुआ है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो लगभग 96 इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, और आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करें और वहां से इसको पढ़ें, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो एक क्वेश्चन है सेरेंडिपिटी क्या होती है, ठीक है, सेरेंडिपिटी क्या होती है, जो अन्वेषण वैज्ञानिक विधि अपनाने से नहीं होते बल्कि अनेक महत्वपूर्ण खोजें बाई चांस ही हुई है, ठीक है, मतलब कोई खोज नहीं हुई बाई चांस ही कोई घटना घटी है उसको हम बोलते हैं सेरेंडिपिटी, ठीक है। उदाहरण के लिए न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज, विद्युत फैराडे द्वारा विद्युत चुंबकीय की खोज, एंटीबायोटिक औषधियों सिद्धांत की खोज, तो ये सेरेंडिपिटी कहते हैं, मतलब कि अचानक से होने वाली घटनाएं, ठीक है। तो ये आप डिस्क्रिप्शन से हमारी इसको वीडियो वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लें। और अब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, मतलब लंबी हो चुकी है, तो इसका जो हमारे जो ऑप्शन टाइप है उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखो आप इसमें भी लगभग 100 क्वेश्चन है, ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है, और आप बताते रहे कमेंट करके कि कौन सी वीडियो आपको पसंद लगी है और हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, थैंक यू, लव यू।